अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मक्का और अभी हम लोग अपने होटल रूम से जाने लगे हैं मस्जिद अल हराम खाना काबा में अपना उमरा अदा करने के लिए। नियत हमने बांध ली है, नियत हमने कर ली है और अहराम बांध लिया है। सो अभी हम लोग निकलेंगे मस्जिद की तरफ। तो अभी हम खाना काबा की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल क्लॉक टावर की बैक साइड से हम लोग एंटर होंगे और इंशाल्लाह सीधा अंदर खाना काबा के। सो अभी तो चल के जा रहे हैं, वापसी पे हमें टैक्सी करानी पड़ेगी क्योंकि अपहिल होगी वापसी के टाइम, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। हमारा होटल वो पीछे रह गया, तो बस अभी जिक्र करते हैं और पहुँचते हैं। सो अभी हो चुकी है नेक्स्ट सुबह। हम लोगों ने रात को ऑलमोस्ट 2:30 बजे अपना उमरा कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी निशानी मेरे सर पे मौजूद है। और काफ़ी थके हुए थे, 2 दिन से ट्रैवल कर रहे थे जिसकी वजह से हम लोग आके रेस्ट किया। और अभी हम लोग जाने लगे हैं अनस भाई से मिलने के लिए, तो उनसे मिलेंगे क्योंकि आज रात वो पाकिस्तान जा रहे हैं। तो अभी हम लोग अनस भाई की तरफ रवाना हो गए हैं। हम लोग रहते हैं इजाद में और अनस भाई रहते हैं गार हीरा के पास। सो ये रास्ते में पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं। रात को अगर आपने व्लॉग देखा था तो उसमें हम टनल से गुजर रहे थे, तो वो यही पहाड़ों के बीच से टनल से गुजरते हैं। सो अभी हम लोग पहुँचते हैं अनस भाई की तरफ। तो हमारे अनस भाई हमें मिल चुके हैं, ब्रेकफास्ट हमने किया और अभी हम लोग जा रहे हैं ताइफ की तरफ। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, अगर परमिट मिलता तो यहाँ पे भी हम टूर बनाते अपना, बट दूसरे मुल्कों में आके पंगा नहीं लेना, जिस काम में आए वही करना। सो ताइफ हम लोग जा रहे हैं कुछ फ्रूट्स ट्राई करने के लिए और वहाँ की ठंड एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये हम ताइफ ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। ये पूरी पहाड़ी हमने चढ़नी है, जो सामने आपको रोड नज़र आ रही है, पहाड़ियों के बीच से होते हुए हम लोग माउंटेन टॉप पे जाएंगे, जो आपको कुछ घर दिख रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ से पूरा होते 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 माउंटेन पीक पे, तो वहाँ का टेम्परेचर सही कड़ाके वाली ठंड वाला है, वहाँ पे कुछ मज़े मज़े के फ्रूट्स भी मिलते हैं। से रोड हमारी स्टार्ट हो रही है और मुसलसल हम लोगों ने ऊपर ही चढ़ना है। से 5 साल पहले यहाँ ग्रीनरी होती थी? नहीं नहीं, ऐसी ये पीक है, वही वही का पीक थोड़ा सा कम हुआ है, तो महीना हो गया बारिश नहीं हुई, नहीं तो थोड़े ज़्यादा ग्रीन थे, काट करवा दिए। ग्रीनरी पहले भी होती थी, इसके बाद यहाँ से मतलब बेनी से वापस चला है, मतलब और बेनी हुई है, एक ग्रीनरी की पीक है, अब यहाँ से ब्राउन भी होगी, पूरी ब्राउन रही है, ग्रीन भी ब्राउन रही है। देखिए बोपो, कश्मीर याद आ गया वापस, बहुत चश्मा लगा है, तो मैं पानी निकल रहा है, बहुत चश्मा है इस बार, निकला ना पानी जी, गिला गिला सब गिला गिला पानी ऊपर निकल रहा है, मेरे घर से भी आप शाह आए क्यों दिखाऊंगा, वो देखे अब से वो चल रही है, क्या चल रही थी? क्या चल रही थी? चश्मा। अच्छा चश्मा। कल जा रहे हैं
पानी आ रहा है, पहाड़ों से पानी आ रहा है लाइट के पीछे। यहाँ पे छोटे छोटे चश्मे फूट रहे हैं पहाड़ों से। सिटी पहुंच गए हैं। तो पीछे आपने सारी माउंटेन रेंजेस देखी हैं, उसके टॉप पे है। और यहाँ का टेम्परेचर सही है इस वक्त, दिन के 1:30 बज रहे हैं, बट ठंड सही ठंड जिसको कहते हैं वो है। माउंटेन पीक के टॉप के ऊपर है ताइफ, हम सब माउंटेन्स के टॉप पे हैं। I love this city.
टॉप पे और माउंटेन्स हैं, क्या ही बात है। माउंटेन पीक्स के ऊपर जा रहे हैं हम। हर रंग का फ्रूट है इधर, मौसमी है। ये इतने सारे फ्रूट्स हैं। अनस भाई क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा है? सब कुछ अच्छा है, माशाल्लाह सब कुछ अच्छा। मेन आइटम तो ये है, सबसे प्यारी आइटम जो मिलती नहीं कहीं से, ये ताइफ का मलबरीज। सही, सब कुछ मिलेगा आपको। ये भी है कुछ प्रिकली पेयर्स। सो ताइफ से कुछ फ्रूट्स और छल्ली लेने के बाद अभी माउंटेन पीक के ऊपर आए हैं, जहाँ से हम लोग ऊपर चढ़े थे। तो यहाँ का व्यू आपको चेक कराते हैं, ड्रोन व्यू ऑफ मक्का, ड्रोन आई व्यू। लगा हाँ जी खुला हुआ ड्रोन है, पकड़ के मारना है। वो सारा नीचे रोड हम चढ़ के आए हैं, ऊपर वो आगे है मक्का का शहर। इसी रोड के थ्रू हम जाते हैं, वो माउंटेन के पीछे बैक साइड जाके मक्का स्टार्ट होता है। भाई साहब खुदकुशी कर रहे हैं यहाँ पे। अनस भाई क्या खा रहे हैं? हम खाए काका। किसका काका? जापानी पल। जापानी पल इंग्लिश बोल रहे हैं बस। और अपनी जुबान में? अपनी जुबान में पाकिस्तानी जुबानी वाली बोलते हैं हम लोग। हम लोग ही बोलते हैं आप इसको, हम लोग ही बोलते हैं जी। ये छोटी छोटी जो आपको चुनटियाँ नज़र आ रही हैं गाड़ियाँ, और ये हम सब क्लाइम करके आए हैं ऊपर। क्या एपिक व्यू है यहाँ पे, यहाँ पे मंकीज भी हैं, बबून्स कह सकते हैं इनको, हैं वो। हमने अपना भुट्टा शेयर किया मंकी के साथ। मंकी एंजॉयिंग भुट्टा। ये जोड़ी है इनकी आई थिंक, ये भी वकेशन मंकी मारी गाड़ी। ऑरेंज खा लिया उसने। बस बस बस, बस। ये हम देंगे इस मंकी को। ये देखिएगा इसको, आ जाओ चाचू। पीछे से कोई आएगा जंप मारेगा, आपका हाथ भी साथ लेके। वो सेब भी खाए और काका फ्रूट भी खाए। चलो वो हमारी गाड़ी पे मंकीज ने कब्जा कर लिया।
सकते हो? नहीं जा सकता किसी भी वजह से, खड़ी गली से मैंने यहाँ पे। There's so much monkeys here. लेकिन मान मान सो आ गए। ओ बेबीज हम बेबी लेना ओ उनको भगा दी चली दी तुम्हें नहीं नहीं तो दी नहीं जा रही ओ बड़ा आ गया एक हवाएं ले रहे उधर चीखे ही मार रहे हैं चीखे लड़ो ये वापस रूम पहुंच चुके हैं। अनस भाई को बाय बाय कर दिया। आज हमने काफ़ी अच्छा हमारा टाइम रहा। ताइफ की माउंटेन्स पर हम लोग गए थे, कुछ फ्रूट्स हम लेके आए अपने साथ भी और छली भी खाई थी हमने वहाँ पे जो कि काफ़ी अच्छी थी। सो इफ़ यू डू कम टू मक्का हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग ताइफ जाएँ। और यहाँ से एक रास्ता जाता है जो माउंटेन्स के थ्रू जाता है जैसा कि आपने देखा था व्लॉग में। सो कल के व्लॉग में हम खाना काबा को कवर करेंगे। खाना काबा के अंदर मताफ़ में जाएंगे और वहाँ से आपको सारा नज़ारा दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।